हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि जब भी आप फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रिपेयर करते हैं वो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ तो लेते हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मिस कर देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती है JEE BA फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो 2021 में आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का जो पूरा डिटेल्स है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ एक फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, हम लोग आपको सारे डिटेल्स बताएंगे। और उसके रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मान लीजिए किसी भी कंट्री के बारे में क्या क्या पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जो बेसिक बेसिक पॉइंट है आप लोग वहाँ के लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के बारे में देख लीजिएगा। पार्लियामेंट, क्योंकि हर एक कंट्री का जो पार्लियामेंट होता है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी या लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो अलग अलग होता है, तो उसको देख लीजिएगा। दूसरा हो जाता है करेंसी, करेंसी। तीसरा हो जाता है लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी आपको देखना है कि कौन से फैमिली ऑफ लैंग्वेज में आता है, वो जो वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितने कंट्रीज में बोली जाती है, तो ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहाँ का हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहाँ का, मान लीजिए लास्ट किंग या मोनार्क, वहाँ पर कौन कौन से किंगडम्स रहे हैं, वहाँ के कौन कौन से एंशियंट कैपिटल्स, वहाँ के कौन कौन से एंशियंट कैपिटल्स है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कोई फीमेल मोनार्क, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स या फिर आप उनको आर्किटेक्चर या वहाँ पे मान लीजिए चर्च है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। तो ये सब सारे हिस्ट्री में आ जाता है। वहीं पे वहां पे आप कह सकते हैं, या जो पार्लियामेंट के पार्ट है वो है पॉलिटिकल, मान लीजिए उससे रिलेटेड डेमोक्रेसी या रिपब्लिक, वो रिपब्लिक कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन कब था, तो वो हो जाता है। इसके साथ साथ कंट्रीज को जो आपको देखना है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, जिसमें आपको देख लेना है नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। आपको देख लेना है वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ का कल्चर क्या है, कल्चर में फूड क्लोथ, ठीक है, या फिर वहां पे एथनिक ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स को भी आप देख सकते हैं वहां पे। आप मान लीजिए कुछ अगर आपको देखना है कि जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज में आप देख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स या फिर वहां के जो करेंट प्रेसिडेंट हैं, जो करेंट किंग हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर देखना है जैसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में, आप करेंट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं, कि जैसे इंडिया के जो प्रेसिडेंट रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है, US का व्हाइट हाउस होता है, तो फ्रांस का क्या होगा, वो सब आप देख सकते हैं। फिर आप हाइएस्ट अवार्ड देख सकते हैं, अवार्ड्स देख सकते हैं, नेशनल एनिमल स्पोर्ट्स, और मान लीजिए आप वो देख सकते हैं कि ओलंपिक्स में वो कब पार्टिसिपेट किए थे, फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किए थे, ओलंपिक्स को होस्ट कब किया गया था, होस्ट मतलब वहां पे कब कब ओलंपिक्स हुआ है, मान लीजिए कि पेरिस में कब हुआ है, बार्सिलोना में कब हुआ है, टोक्यो में कब हुआ है, तो उस तरीके की भी चीजें आप देख सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने देख ही लिया, मान लीजिए रिपब्लिक का डेट, कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट हुआ था,
तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कंट्री में आपको इस तरीके से, मान लीजिए अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके से आपको सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और फिर अपने नोट्स को तैयार करना है। आप कोशिश कीजिए कि जो भी कंट्रीज हैं, एक हम लोग ने सेपरेट वीडियो में कंट्रीज के लिस्ट आप लोगों को बताए थे, तो सारे कंट्रीज के लिस्ट में हर एक पॉइंट पे आपको नोट्स तैयार करना है, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक फायदा आपको ये हो जाएगा कि आप जो है अपने से थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, और टाइम लेके चले कि एक एक कंट्री को बनाने में जो है कम से कम 2 से 3 दिन आपको समय लग जाएगा, लेकिन आपको बना लेना ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में रीजनिंग में आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके अपने आप को कॉल मैसेज कर सकते हैं या अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। थैंक यू।